जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आइए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं, एक शॉर्ट नोट में हम समझेंगे कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है तो आपको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कितना लिखना है। सर्व शिक्षा अभियान कई बार आपसे पूछा जा चुका है आपके कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन कंसर्न एंड इशू में। ये एक सरकार की योजना होती है, सरकार क्या क्या योजनाएं लाता है शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए, तो उसके संबंध में एक से सवाल आपसे पूछ लिया जाता है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में बताइए। तो आइए देखते हैं सर्व शिक्षा अभियान के बारे में आपको क्या लिखना है। यह योजना दोस्तों 2001 में प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। शुरू क्यों किया गया था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको UEE कहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब प्रारंभिक शिक्षा का सर्वोपरि, सबके लिए यूनिवर्सलाइज करने के लिए। देखिए उस समय या अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं या फिर बहुत से ऐसे गांव थे या ऐसी जगह थी जहां पे लोग अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। उनको लगता था कि अरे पढ़ लिख के क्या करेगा, कहीं जाके नौकरी करे कुछ करे। तो इसी चीज को खत्म करने के लिए कि बच्चा कम से कम एलिमेंट्री एजुकेशन तो ठीक से पढ़ ले, आठवीं तक तो वो ठीक से पढ़े, तो इसके लिए एक नई शिक्षा सरकार की तरफ से योजना लाई गई जिसे कहा गया सर्व शिक्षा अभियान। यानी कि और एक गाना बड़ा फेमस हुआ था, स्कूल चले हम, तो इसी के तहत में हुआ था। तो इसका मुख्य मकसद क्या था? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। चलिए, सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन तब प्रदान किया गया जब 6 से 14। अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2009 के बाद से क्या हुआ, 2001 से शुरू हुआ 2010 तक के लिए, लेकिन 2009 में कानून बन गया, वो है दोस्तों RTA 2009। RTA Act कानून बनने से क्या हुआ ना कि अब तो ये बच्चे का फंडामेंटल राइट्स हो गया कि बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा देनी ही देनी है। पहले सरकारें आपसे रिक्वेस्ट करती थी, कैंपेन करती थी कि बच्चे को स्कूल भेजिए, लेकिन अब तो ये राइट है कि बच्चे को आपको पढ़ाना ही पढ़ाना है। अगर बच्चा पढ़ना चाहता है तो माँ बाप उसे बिना पढ़ाए नहीं रोक सकते, ये बच्चे का फंडामेंटल राइट है कि उसको पढ़ना है। तो दोस्तों कानूनी इसको समर्थन प्राप्त हो गया कब? जब अनुच्छेद 21A के तहत संविधान में इसे मौलिक अधिकार बना दिया गया कि 6 से 14 साल के बच्चों का एलिमेंट्री एजुकेशन लेना उनका मौलिक अधिकार है, उनका फंडामेंटल राइट्स है, और कानून इसको क्या करता है, समर्थन करता है। और फ्री एजुकेशन की बात करी गई 2009 RTA Act में, हालांकि उसको स्पेशल देखा गया, लेकिन यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि उसके बाद से इस योजना की जरूरत नहीं पड़ी। जरूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि अब तो ये बच्चे का कानूनी अधिकार। चलिए इसमें और कुछ मुख्य बातें देख लेते हैं। जैसे मुख्य बातें हैं दोस्तों कि ये सभी के लिए शिक्षा यूनिवर्सलाइज, मतलब सभी के लिए शिक्षा के लिए क्या था, ये एक आंदोलन या फिर ये कह लीजिए कि सरकार की तरफ से एक कार्यक्रम था। सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था। भारत रत्न स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी एक बहुत ही अच्छे प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके द्वारा शुरू किया गया था। केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ साझेदारी से इस पहल को क्रियान्वित किया गया, मतलब सरकार सेंट्रल वाली और स्टेट वाली दोनों सरकारें मिलकर इस कार्य को चलाएंगे। सर्व शिक्षा अभियान की प्रारंभिक उद्देश्य 2010 तक अपने उद्देश्य को पूरा करना था, हालांकि समय सीमा को बढ़ा दिया गया। शुरू में इसका कहां तक रखा गया था, 2010 तक रखा गया। चलिए, भारतीय संविधान 86वें संशोधन अधिनियम में सर्व शिक्षा अभियान को कानूनी समर्थन प्रदान किया गया जब 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा को मुफ्त और अनिवार्य बना दिया गया। वही बात है, जब 86वां संशोधन हुआ तो ये मुफ्त और अनिवार्य बना दिया गया, साथ ही साथ मौलिक अधिकार दे दिया गया बच्चे का RTA 2009 के तहत कि बच्चे का ये मौलिक अधिकार होगा कि वो बच्चा प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करेगा। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य स्कूली बच्चों से बाहर लगभग 2 करोड़ बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ना है। नई शिक्षा 2020 जो 2020 है, तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं 2 करोड़ बच्चे जो स्कूली शिक्षा में अभी नहीं आ पा रहे, पूरे देश की बात, तो अब उनका मुख्य लक्ष्य है कि उन बच्चों को स्कूली शिक्षा में जोड़ना। 2019 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में यह उल्लेख किया गया था कि 2015 में स्कूल की उम्र 6 से 18 वर्ष के बीच के अनुमानित 6 से 2 करोड़ के स्कूल के बच्चे बाहर है, मतलब 2015 में यह बताया गया था कि अभी 6 से 6.2 करोड़ बच्चे अभी जो है जिनकी एज 6 से 18 साल है और वो स्कूली शिक्षा से बाहर है। अभी आंकड़ा देखिए 2020 में ये क्या हो गया, कम हो गया, लगभग 2 करोड़ तक आ गए। तो धीरे धीरे अभी ये क्या है, एक समाज में सुधार होता है, सामाजिक परिवर्तन होता है, और अब आप देखेंगे तो हर एक परिवार लगभग, देखिए हमारा ये डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में रहते हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में दोस्तों शिक्षा की इतनी महत्व दी जाती है कि बच्चे को कम से कम प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ाया ही जाता है। हालांकि देश में ऐसे भी बहुत सारे राज्य हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हो सकते हैं जहां पर इतनी जरूरी नहीं समझी जाती है शिक्षा को, वो नहीं, तो इसीलिए उनको भी क्या करना है, जोड़ना है। पढ़े भारत बड़े भारत सर्व शिक्षा अभियान का एक उप कार्यक्रम है, उसी के साथ जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है पढ़े भारत बड़े भारत, पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। ओके, तो यहां तक बात हो गई इसकी। एक पॉइंट और इसमें देख लीजिए, वित्तीय प्रतिमानक की पैसे का मैनेजमेंट कैसे होता था। तो शुरू शुरू में क्या होता था, केंद्र और राज्य के बीच 85 और 15 के बीच समझौता था
कि 85% जो पैसे होंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करेगी, 15% पैसे स्टेट गवर्नमेंट खर्च करेगी। लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, बाद में इसे 10वीं योजना में 75-25 कर दिया गया कि ऐसा है राज्य सरकार थोड़ा और खर्च करे, केंद्र सरकार थोड़ा कम करते, 75-25 हो गया और लास्ट में ये 50-50 हो गया कि आधा पैसे सरकार केंद्र सरकार देगी और आधा पैसे राज्य सरकार देगी। ठीक है, ये हो गई इसकी मुख्य बातें सर्वशिक्षा अभियान की। किस उद्देश्य से किया गया, उद्देश्य आप बिल्कुल समझ सकते हैं। पहला तो उद्देश्य यही होगा कि मुख्य धारा से बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, प्रारंभिक शिक्षा सबके लिए करना, नए स्कूल खोलना, बिल्डिंग बनाना, जो भी सुविधाएं मुहैया है वो कराना। ठीक है, तो यही सारे इसके उद्देश्य होंगे। जैसे उन बस्तियों में नए स्कूल खोल लिए जहाँ पे स्कूली शिक्षा की सुविधा नहीं है, ये इसका उद्देश्य था। मौजूदा स्कूल की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, वैकल्पिक स्कूल शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए, नए स्कूलों का निर्माण करने के लिए, और जो पहले से स्कूलें हैं उसमें अतिरिक्त क्लासरूम, वॉशरूम्स की व्यवस्था, पानी पीने की सुविधा, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था करना सरकार की एक जिम्मेदारी थी और इसी मकसद से, इसी उद्देश्य से यह शिक्षा लागू की गई। स्कूल सुधार अनुदान बनाए रखने के लिए, बच्चों को मुफ्त पाठ्यक्रम, स्कूल ड्रेस प्रदान करने के लिए, और जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है वहाँ पर शिक्षकों की संख्या बढ़ाने के लिए, ऐसे स्कूलों को अतिरिक्त शिक्षा प्रदान करने के लिए, और क्या कहते हैं गेस्टेड टीचर वहाँ पे शामिल करने के लिए, ये शिक्षा का उद्देश्य था, इसलिए सर्व शिक्षा कराया गया। अब आइए, स्कूलों में मौजूदा शिक्षकों को कौशल क्षमता को बढ़ाने और मजबूत करने के लिए व्यापक शिक्षा, मतलब सिंपल सी बात है सबके लिए शिक्षा होनी चाहिए। अनुदान को बनाए रखने द्वारा शिक्षक को सिखाने की सामग्री, अब उसमें टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, तो इस मकसद से इसको शुरू किया गया। एक क्लस्टर ब्लॉक और जिला स्तर पर एक अकादमिक सहायता संरचना को मजबूत किया जा रहा है, गुणवत्तापूर्वक शिक्षा के साथ छात्रों के जीवन कौशल को प्रदान करने के लिए, बच्चों का अंदर थोड़ा सा स्किल डेवलप करने के लिए, सिंगिंग, स्पोर्ट्स, गाने, इन सब पे भी सर्व शिक्षा अभियान में जोड़ दिया गया। कहना है मतलब सर्व शिक्षा अभियान की अगर मुख्य बातों की आप बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान की मुख्य बातें ये थी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, प्राथमिक जो शिक्षा है 6 से लेकर 18 साल के बच्चों के लिए, 6 से 14 साल भी कह सकते हैं, तो उनके बच्चों के लिए सभी को स्कूली शिक्षा से जोड़ना इसका मुख्य उद्देश्य था। अब इसको जोड़ने में जो जो असुविधाएं थी, जैसे मान लीजिए स्कूल नहीं है, स्कूल खोलना, अगर स्कूल में टीचर कम है तो टीचर देना, क्लासरूम सही नहीं है तो क्लासरूम देना, एक्स्ट्रा क्लासरूम बनाना, पानी की व्यवस्था, शौच की व्यवस्था, मुफ्त किताबें, मुफ्त उनके ड्रेस, छात्रवृत्ति, ये सारी चीजें उसकी मुख्य उद्देश्य थी, इसके माध्यम से पूरे बच्चों को स्कूल की मुख्यधारा से जोड़ना। चलिए, प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिकरण के तहत मुख्य क्षेत्र थे, वही बात है सार्वभौमिक अधिगम, ठीक है, सार्वभौमिक नामांकरण, सबको सीखना, अब सबका नामांकरण, एटलीस्ट नामांकरण बच्चे एडमिशन ले, सार्वभौमिक प्रतिधारण, सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्वक प्रारंभिक शिक्षा, ये इसकी मुख्य दोस्तों क्षेत्र है। अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, इसके बाद जैसे ये एलिमेंट्री एजुकेशन की बात की गई, प्राथमिक शिक्षा की, इसके बाद आता है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा, ठीक है, RMS, तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को इसके बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में, अगले वीडियो में। लेकिन इसके बाद जो हुआ ये तो प्राथमिक शिक्षा की हुई, उसके बाद अब माध्यमिक शिक्षा के बारे में बात हुई, ठीक है। तो एक शॉर्ट नोट्स था ये बताना कि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि सर्व शिक्षा अभियान के बारे में कैसे लिखना है तो आप इसी तरीके से बखूबी लिख लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ मुख्य बातें यही थी कि सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना, सभी बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना, ये इसकी मुख्य बात है, ठीक। तो बस छोटी सी वीडियो थी, एक नोट्स, फिर आगे बातें होती रहेंगी, हमारी चर्चाएं होती रहेंगी। बाकी आप एक काम करिएगा, कुछ टॉपिक जो स्पेसिफिक होते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो वो एक बार कमेंट में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर वीडियो बना सकूं। सो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, रखिए अपना खूब ख्याल, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, जय हिंद, जय भारत।